विधानसभा के अंदर कई पुराने निशानी को मिटाया गया, दीवाल को तोड़ा गया, जिसमें हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री बैठते थे उसको बाथरूम बना दिया गया। 10 वर्षों में भी पूरा नहीं हुआ, आज भी बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर अधूरा पड़ा है। शताब्दी वर्ष जब मना रहे थे उसी समय कहा था कि कंप्लीट करके दे देंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। सरकार अपनी पूरी तंत्र को लूट की छूट दे चुकी है। पुराने वास्तु कला के साथ छेड़छाड़ करके उप मुख्यमंत्री के लिए कारपोरेट ऑफिस बनाया गया। किस तरह से लूट मची है, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा है, प्राकलन का घोटाला हो रहा है, विषाक्त वातावरण बनाया गया। और माननीय मंत्री जी का सदन में जो वक्तव्य दे रहे हैं वो भवन को छोड़ के सब विभाग के बारे में बोल रहे हैं। अपने विभाग में उनकी अपनी उपलब्धि कुछ नहीं है, जो महागठबंधन के समय का अवधि है। और सच्चाई तो ये है उस विभाग का कि जिस सदन में हम लोग आकर के बैठते हैं इसका विस्तारित भवन 2012 और 13 में प्रारंभ हुआ और आज 2022-23 10 वर्षों में भी पूरा नहीं हुआ, आज भी बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर अधूरा पड़ा है। क्वालिटी तो क्या है पूरे बिहार के अंदर भवन का सब जान रहा है, लेकिन उसका प्राकलन में बार बार विलंब होने से जो बढ़ोतरी होती है, जिसके कारण यह भवन फेल्योर हुआ, आज तक उस पर कार्रवाई नहीं की गई। जब हम विधानसभा अध्यक्ष थे 2-3 बार बैठक भी किए, चेतावनी भी दिए, शताब्दी वर्ष जब मना रहे थे उसी समय कहा था कि कंप्लीट करके दे देंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। 100 वर्ष इस विधानसभा भवन का पूरा हो चुका, हेरिटेज बिल्डिंग है, और किस तरह से पुराने वास्तु कला के साथ छेड़छाड़ करके उप मुख्यमंत्री के लिए कारपोरेट ऑफिस बनाया गया। मुख्यमंत्री जी, आप तो अपने विरासत को, अपने धरोहर को सहेज के रखते थे, कैसी मजबूरी है कि विधानसभा के अंदर कई पुराने निशानी को मिटाया गया, दीवाल को तोड़ा गया, जिसमें हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री बैठते थे उसको बाथरूम बना दिया गया, कॉरपोरेट ऑफिस, और सभी जगह भवन के अंदर की क्या स्थिति है सब जान रहा है। किस तरह से लूट मची है, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा है, प्राकलन का घोटाला हो रहा है, लेकिन ये अपने विभाग से ज़्यादा दूसरे विभाग की ही चर्चा में। और बिहार दिवस गर्व है सभी बिहारियों को, लेकिन बिहार दिवस के नाम पर जिन महापुरुषों पर हम गर्व करते हैं वो महापुरुष भ्रष्टाचार और अपराध के पोषक नहीं थे। वह विरासत ठहर क्यों गई? ठहराने वाले बड़े भाई छोटे भाई के पीरियड में हमारा समाज कमजोर क्यों पड़ा, टूट क्यों गया, क्यों विषाक्त वातावरण बनाया गया, इस पर भी उनको चर्चा करनी चाहिए थी। सुबह में भी भूमि राजस्व विभाग के अंदर आपने देखा, जब मंत्री से हमने पूछा कि खुल करके दाखिल खारिज में भ्रष्टाचार चरम पर है, जो समय सीमा है नहीं बता पाए, बाद में 35 दिन जिस पर विवाद नहीं है 35 दिन में करना, और जो जिसमें विवाद है 75 दिन के अंदर कर देना, लेकिन आज 3-3, 6-6 महीने तक रोक के रखा जाता है, एक पर भी कार्रवाई नहीं किया जाता है, क्योंकि वहां नीचे से तहसीलदारी ऊपर तक पहुंचता है, पूरे भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ रहा है। सरकार अपनी पूरी तंत्र को लूट की छूट दे चुकी है, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के माध्यम से आपराधिक घटना भी बढ़ रही है, इसलिए ये भवन विभाग भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा हुआ, इसलिए हम लोग बहिष्कार करके आए हैं।